नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है द इन्वेस्टमेंट गुरु जी। आज हम लोग बात करेंगे एस्ट्रल पाइप्स कंपनी के बारे में। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आज की सेशन की बात करें तो 5% तेजी के साथ स्टॉक बंद हुआ। पिछले अगर हम लोग दोस्तों 5 साल का परफॉर्मेंस देखें तो 5 साल में स्टॉक ने लगभग जो है 226% का रिटर्न दिया है, यानी कि पैसा जो है मोर देन 2 टाइम्स किया है। अगर हम लोग मैक्स की बात करें दोस्तों तो एक धमाकेदार रिटर्न दिया है, 333 टाइम्स पैसा अब तक कंपनी ने यहाँ पे बनाया है। अगर हम लोग चार्ट पैटर्न को भी देखें दोस्तों तो एक कंसिस्टेंट चार्ट पैटर्न यहाँ पे हमें नजर आता है, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे बिलीफ यहाँ पे जो है कंपनी के चार्ट पैटर्न को देख के लगता है। पिछले 6-7 साल में अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी कंसिस्टेंटली यहाँ पे अप जर्नी इसकी बरकरार है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम लोग दूसरे एंगल से इस कंपनी को देखें दोस्तों तो एक अच्छा खासा यहाँ पे जो है मार्केट में ये कंपनी का प्रेजेंस है। लोकल अगर आप जो है शॉप में जाओगे तो डेफिनेटली आपको हार्डवेयर शॉप में इस कंपनी के प्रोडक्ट डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। अभी हम लोग आ गए कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप भी जो है astralpipes.com इस कंपनी के जो है वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर प्रोडक्ट की बात करें दोस्तों तो एक बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इनका है। यहाँ पे बात कर ले प्लम्बिंग की या फिर ड्रेनेज पाइप्स की, एग्रीकल्चर पाइप्स एंड फिटिंग, वाटर टैंक्स, इंडस्ट्रियल पाइप्स, केबल प्रोटेक्शन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अलग अलग चीजों में ये कंपनी अपना जो है यहाँ पे कामकाज करती है। एक बहुत ही वाइड जो है अलग अलग इस कंपनी के यहाँ पे जो है पोर्टफोलियो प्रोडक्ट के रिलेटेड। दोस्तों मैं आपको मोटिवेट करूंगा कि कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिए, जिसकी मदद से आपको कंपनी के बारे में और ज्यादा यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो मार्केट कैप लगभग है 37,000 करोड़ के आसपास, तो हम लोग कह सकते हैं लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस की बात करें तो लगभग यहाँ पे जो है 1,400 के आसपास कंपनी की प्राइस निकल के आ रही है। 52 का अगर हाई देखे तो लगभग 2,000 का है, तो करंट लेवल पे हम लोग कह सकते हैं कि अच्छे खासे डिस्काउंट पे ये कंपनी करंटली कामकाज कर रही है। अगर हम लोग यहाँ पे 52 लो की बात करें जो है 1186 पे। कंपनी की बुक वैल्यू देखे तो बुक वैल्यू है लगभग 90 के आसपास, तो डेफिनेटली बुक वैल्यू से अच्छे खासे महंगे दामों पे ये कंपनी करंटली कामकाज कर रही है। इसके साथ दोस्तों एक ग्राहम नंबर देखे जो एक्चुअल यहाँ पे बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी के एक्चुअल स्टॉक की प्राइस होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए 172, लेकिन वहां से भी स्टॉक अच्छा खासा यहाँ पे प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों तीसरा फैक्टर देखिए इंडस्ट्री पी। इंडस्ट्री पी मतलब जो भी इस टाइप की कंपनियां हैं तो वो कौन से दामों पे कामकाज करें, ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करें तो 26 पे चल रहा है। और हम लोग इस स्टॉक का पी देखे जो है 97 पे, तो यहाँ पे भी क्लियर कट हम लोग कह सकते हैं कंपनी जो है स्टॉक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों हर एक यहाँ पे मायनों में कंपनी का जो स्टॉक है प्रीमियम जो है प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन दोस्तों देखने वाली बात यह कि कंपनी की जिस हिसाब से होती है तो उस हिसाब से उसका प्रीमियम चलता है, तो ये गलत बात नहीं है कि स्टॉक प्रीमियम पे चले, क्योंकि दोस्तों अच्छी कंपनी हो तो उस हिसाब से हमें पैसा ज्यादा देना होता है। अगर आप कोई भी अच्छे स्टॉक उठा लो तो डेफिनेटली वो सारे के सारे स्टॉक प्रीमियम पे ही ट्रेड करता है। अगर हम लोग कंपनी के ऊपर डेप देखें दोस्तों तो एक अच्छा खासा यहाँ पे फैक्टर निकल के आता है, क्योंकि कंपनी वर्चुअली डेट फ्री नजर आ रही है। सिर्फ और सिर्फ जो है ऑलमोस्ट 95 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के ऊपर कर्जा है। अगर इसी के साथ अगर हम लोग देखिए प्रमोटर ने कितनी अपनी हिस्सेदारी गिरवी रखी है, तो कोई भी हिस्सेदारी प्रमोटर ने गिरवी नहीं रखी है। 10 साल का अगर हम लोग रिटर्न देखें तो 20.2 का रिटर्न है, जो एक बहुत ही अच्छा खासा शानदार रिटर्न है रिटर्न ऑन इक्विटी का। अगर हम लोग रिटर्न ऑन एन एवरेज देखें 10 साल का, तो वो भी 45.3% निकल के आ रहा है। अगर हम लोग सेल्स की जो है देखें तो 22.8% से हर साल यहाँ पे सेल्स ऑन एन एवरेज ग्रो हो रही है। तो ओवरऑल सारे के सारे फैक्टर में दोस्तों कंपनी अच्छे खासे यहाँ पे जो है सारे नंबर्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कंपनी के यहाँ पे फाइनेंशियल्स के बारे में, प्रॉफिट लॉस के बारे में। सारे के सारे वैल्यूज रुपीज इन करोड़ में दिए गए हैं और 2011 से लेके अब तक का यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। सेल्स की देखिए दोस्तों बात करें तो 402 करोड़ था सेल्स 2011 में। यहाँ पे हर एक नंबर नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अगर आप बस नंबर पे हाई लेवल पे ध्यान दें तो हर साल कंसिस्टेंटली कंपनी का सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते जा रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि हर साल कंपनी का सेल्स बढ़ना पिछले 10-12 साल से ये एक बहुत ही बड़ा अचीविंग जो है फैक्टर होता है। प्रॉफिट की बात करें जो है 55 करोड़ था 2011 में, और वहां से बस आप नंबर पे ध्यान दो तो हर साल कंसिस्टेंटली कंपनी के यहाँ पे जो है नंबर्स जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बढ़ रहे हैं, जो भी अपने आप में बड़ी बात है। अगर हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करें तो कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे अगर हम लोग सेल्स देखें जो बढ़ रहा है, लेकिन उस हिसाब से कंपनी ने इंटरेस्ट अपना बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करके रखा है, तो क्लियरली कह सकते हैं कंपनी का बहुत ही अच्छा व्यू है, जिसके माध्यम से कंपनी ने खुद के ऊपर कर्जा नहीं बढ़ाया है, जो अपने आप में एक अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है। फाइनली नेट प्रॉफिट की बात करें 2011 में था 33
उसके बाद कंसिस्टेंटली अगर आप ध्यान दो तो हर साल ये कंपनी का नंबर जो है बढ़ते जा रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, जो ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। तो ओवरऑल जो फाइनेंशियल हमने देखे तो एक सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। चलिए दोस्तों करते हैं एस्ट्रल का टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे टेक्निकल की बात करें दोस्तों, तो हर एक यहाँ पे कैंडल जो आप देख रहे हो वो एक दिन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया है, यानी कि दोस्तों पिछले साल 2022 ऑलमोस्ट अक्टूबर से अगर हम लोग बात करें ऑलमोस्ट मिड ऑफ मार्च तक, तो एक सीमित दायरे में कंपनी ने कामकाज किया है। सीमित दायरे मतलब ये जो लो रिस्क का है 1400 रुपए का, और अगर हम लोग हाई की बात करें तो लगभग निकल गया है 1613 रुपए। तो इसी रेंज में कंपनी ने ट्रेड किया है पिछले, अगर हम लोग बात करें ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने में, ना 1400 के नीचे जा रहा था स्टॉक, ना 1613 से नीचे जा रहा था। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे मार्केट में सेल ऑफ आया, उसके बाद स्टॉक नीचे गिरा, इस टाइप के सारे स्टॉक नीचे गिरे। अगर हम देखेंगे तो 1300 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया, जो पहले भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया था ऑलमोस्ट जून जुलाई के आसपास 2022 की बात करें तो। इसी लेवल के आसपास का सपोर्ट कंपनी ने अभी लिया और वहां से कंपनी में अभी तेजी बन रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो फिर से स्टॉक डेफिनेटली 1400 के रेंज में आएगा। यहाँ पे फिर से अटकले हो सकती है स्टॉक को 1600 के आसपास, प्रॉबली एक हाथ दो बार जाए तो वहां से फिर से मुनाफा तो चलाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक दो या तीन बार हमने मल्टीपल टाइम देखा इसी लेवल के आसपास जो है स्टॉक में जो है मुनाफा उसे लेते हैं जब स्टॉक 1600 के ऊपर जाने की कोशिश करता है। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें तो किसने इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए, तो दोस्तों जिस हिसाब से हमने फाइनेंशियल देखे, कंपनी के प्रोडक्ट देखे, ओवरऑल प्रेजेंस है मार्केट में कंपनी का, तो अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो डेफिनेटली आप इस स्टॉक में धीरे धीरे अपनी पोजिशन बना सकते हो जब भी स्टॉक गिरता है। तो अभी का लेवल जो है तो वो भी कोई खराब लेवल नहीं है, 1400 के लेवल पे आप धीरे धीरे एक्युमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर प्रोबेबली ये स्टॉक इससे नीचे फिसलता है या प्रोबेबली या फिर यहाँ से और ज्यादा प्रीमियम जो है चीपर थोड़ा मिलता है तो वहां पे भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ये लेवल कोई खराब लेवल नहीं है जहाँ पे आप धीरे धीरे इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस ऐड करने के बारे में सोच सकते हो। दोस्तों एक डेफिनेटली आप चीज ध्यान में रखिए, अगर ये स्टॉक यहाँ से 1400 से ऊपर अगर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली 1400 से 1600 के रेंज में डेफिनेटली अटकेगा स्टॉक, और अगर 1600 को इसने ब्रेक कर दिया, जब भी ये ब्रेक करेगा आने वाले वीक्स में या फिर मंथ्स में, तो उसके बाद इसका नेक्स्ट जो है 1900 के आसपास का जो है लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 1900 के आसपास अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लास्ट टाइम स्टॉक किया था पिछले साल सितंबर में अगर बात करें तो ये एक अटकले हो सकती है। लेकिन करंट लेवल पे देखने वाली बात ये कि कितने दिन ये स्टॉक 1400 से लेके 1600 के रेंज में रहता है। तो दोस्तों जिस हिसाब से मैंने बताया कि यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो निवेश कीजिए, अगर आप शॉर्ट टर्म जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये कंपनी शॉर्ट टर्म लायक नहीं है, एक अच्छी खासी स्ट्रांग कंपनी जहाँ पे आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा पर्सनल एनालिसिस, डेफिनेटली आपका खुद का एनालिसिस जरूर कीजिए और इसके बाद ही स्टॉक में निवेश कीजिए। आपके एस्ट्रल के बारे में क्या राय है डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।